हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जैदी ट्रेंडी फैशन। आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर टॉप, जिसको हम लहंगे के साथ टीम अप करेंगे। इसको बनाने के लिए मैंने 1 मीटर टापेटा फैब्रिक लिया है और ये थोड़ी सी नेट ली है मैंने ट्रांसी नेक बनाने के लिए। उसके ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ये गोल्डन फैब्रिक लिया है जो स्ट्रेचेबल में है, और ये गोल्डन लेस ली है जिसको हम टॉप के ऊपर डिज़ाइन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। टॉप बनाने के लिए हमने ऑलरेडी पेपर पे कटिंग कर ली है मार्किंग करके। टॉप की लेंथ हमें 20 इंच रेडी चाहिए, तो हम उसमें 1 इंच ऐड करेंगे सीमिंग अलाउंस के लिए और 21 इंच पर हम उसकी लेंथ लेंगे। नेक विड्थ के लिए हमने 4.5 लिया है और नेक लेंथ के लिए हमने 4 इंच लिया है। उसके बाद शोल्डर के लिए हमने 7.5 लिया है, क्योंकि हम इसमें बोट नेक बना रहे हैं। आर्म होल की लेंथ हम इसमें 7 इंच लेंगे। यहीं से अपर चेस्ट का फोर्थ पार्ट करेंगे और उसमें 1/2 इंच ऐड करके मार्क करेंगे। एपेक्स पॉइंट के लिए हम इसमें 9.5 पर मार्क करेंगे। यहीं से हम हाई बस्ट का फोर्थ पार्ट करेंगे और 1/2 इंच ऐड करके मार्क करेंगे। इसके बाद सीने से कमर की लेंथ को हम, यानी कमर की पॉइंट को हम बनाएंगे 7 इंच पर, और यहीं से कमर का फोर्थ पार्ट करके 1/2 इंच ऐड करेंगे और मार्क करेंगे। इसी तरह से हम हिप्स पर फोर्थ पार्ट करके 1/2 इंच ऐड करेंगे। सबसे पहले हम टॉप की बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने फैब्रिक को 1 लेयर में रखा है और इसमें हमने मार्जिन दिया है, तो इसमें हम इसी के बराबर ही कट करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है जिसकी कटिंग हम कर रहे हैं। बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है, इसका हमने नेक भी कट किया है दोनों का यहाँ से। इसके बाद हम पेपर में आर्म होल के लिए एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, जिसको हम 1 इंच से 1/2 इंच पर कर्व देते हुए कट करेंगे। इसके बाद पेपर को ओपन करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने 2 नोचेज़ लगाए हैं, ये हमारे सेंटर के नोचेज़ हैं। इसको हम एक साथ टच करेंगे, यानी एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम शोल्डर का 1/2 करेंगे यहाँ से, जो होता है 1/2 इंच, और उस पर हम मार्क करेंगे यहाँ से। और इसी मार्क को नीचे लाते हुए इस तरह से सेंटर वाली लाइन पर हम टच करेंगे राउंड शेप में। नीचे से हम 4 इंच तक ही इसको मिलाएंगे यहाँ तक इस तरह से। इसके बाद हम सेंटर नोच के एक साइड में 3.5 इंच का मार्क करेंगे यहाँ पर इस तरह से, और इस मार्क को हम ऊपर जाकर मिला देंगे इस तरह से। इस मार्क को हम अच्छे से डार्क करेंगे ताकि हमें क्लियर नज़र आए। अब इसी मार्क पर हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते हुए प्रॉपर राउंड शेप आनी चाहिए, इसका हम ध्यान रखेंगे और फिनिशिंग से कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट का एक पार्ट कट हो चुका है। उसके बाद हम दूसरा पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए हम शोल्डर का 1/2 करेंगे यहाँ से। इसका भी 1/2 इंच होगा और 1/2 इंच पर मार्क करेंगे। अब इस मार्क को हम उसी तरह से नीचे ले जाकर मिलाएंगे
जिस तरह से हमने पहले मिलाया था सेंटर वाली लाइन से यहाँ पर, और इसी मार्क पर हम इसकी भी कटिंग करेंगे। फ्रंट के हमें तीन पार्ट चाहिए, जिसमें हमने दो पार्ट की कटिंग कर ली है। उसके बाद हम तीसरे पार्ट को भी फाइनल कट करेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ से 3.5 इंच लिया था। अब उसी तरह से हम सेंटर नोच के दूसरे साइड भी 3.5 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ से, और इस मार्क को हम उसी सेंटर वाली लाइन से मिला देंगे जिस तरह से हमने पहले मिलाया था। फ्रंट के सभी पार्ट की कटिंग हो चुकी है। आप चाहे तो ये गैप कम कर सकते हैं। इसके बाद हम इन सभी को फैब्रिक पर कट करेंगे। ये मेरा नेट का ट्रांसी नेक बनेगा, जिसको मैं नेट पे कट करूँगी और बॉट नेक बनाऊँगी पाइपिंग लगाकर, और नीचे के दोनों पार्ट को मैं फैब्रिक पर कट करूँगी। सभी पार्ट को मैंने फैब्रिक पर बिछा लिया है। नेक वाले पार्ट को हम हटा देंगे, क्योंकि हम इसमें ट्रांसी नेक बनाएंगे तो नेट पर कट करेंगे। अब ये दोनों पार्ट हम इस फैब्रिक पर कट करेंगे। साइड से हम बराबर रखेंगे और मार्क करेंगे। इसके बाद अंदर साइड से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे यहाँ से, और नीचे तक हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और लेंथ इसकी बराबर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट की अंदर साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ से। इस पार्ट में भी हम पूरा 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1/2 इंच हमारा सीमिंग अलाउंस है, इसलिए इस वाले पार्ट को हम 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे लेंथ के लिए, क्योंकि ये पार्ट हमारा 4 इंच लंबा होगा इस पार्ट से, तो हम इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। नीचे तक हम 4 इंच पूरा बराबर लेंगे यहाँ से। अब साइड की फिटिंग के लिए हम बराबर मार्क करेंगे यहाँ से। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो भी मार्क हमने लगाए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हमारी हो चुकी है। ये देखिए, पेपर से हमने एक साइड में, ये हमारी अंदर की साइड है, यहाँ पर हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट किया है, और साइडों से यानी फिटिंग की साइड से हमने बराबर कट किया है। रुक जाओ, काटा तो नहीं? नहीं। और नीचे की साइड हमने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हम नेक कट करेंगे। इसी तरह से हम नेक की कटिंग करेंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़कर नीचे से। उसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे बराबर मिलाते हुए। इसके बाद हम फ्रंट की लाइनिंग कट करेंगे, जो हमने दो पार्ट कट किए हैं। लाइनिंग को हम फ्रंट पार्ट में ही लगाएंगे, तो बैक पार्ट के लिए हमें लाइनिंग कट नहीं करनी है। बैक पार्ट को हम विदाउट लाइनिंग स्टिच करना है, तो हम फ्रंट पार्ट की लाइनिंग कट करेंगे। फ्रंट के दोनों पार्ट की लाइनिंग हमने कट कर ली है इस तरह से। इसमें हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा दिया था सीमिंग अलाउंस के लिए, वहीं से हम इसको स्टिच करेंगे यहाँ से नीचे तक, और उसके बाद हम इसमें नॉचेस लगाएंगे। दोनों पार्ट को हमने स्टिच कर लिया है नीचे लाइनिंग लगाकर, और इसमें हमने नॉचेस भी लगा लिए हैं। ये दोनों हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम इसको सीधी तरफ पलटकर किनारे पर एक कवर स्टिच करेंगे, ताकि हमारा जॉइंट सेट हो जाए।
इस स्टिच को हम यहाँ से लगाएंगे किनारी पर, बॉटम तक ले जाते हुए इसको नीचे ऐसे टर्न करेंगे। यहाँ से बॉटम भी हमने लाइनिंग में ही स्टिच किया है तो इसको भी हम कवर स्टिच करेंगे। इसके बाद हम यहीं से लाइनिंग को फैब्रिक से अटैच करेंगे एक रफ़ स्टिच करके, यानी मशीन की चाल को हम फुल रखेंगे और इस पर एक रफ़ स्टिच करेंगे ताकि लाइनिंग हमारा फैब्रिक से अटैच हो जाए। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी कंप्लीट करेंगे जिस तरह से हमने ये पार्ट किया है। दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से भी हमने दोनों को स्टिच कर लिया है। इसके बाद हम इस वाले पार्ट में डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए हमने पेपर फॉर्म ली है। इसकी चौड़ाई 8 इंच है और इसकी लेंथ हम 15 इंच लेंगे। पेपर फॉर्म को हम इसके नीचे रखेंगे इस तरह से। पेपर फॉर्म को मैंने लगभग 6 इंच अंदर किया है। यहाँ से डिज़ाइनिंग के लिए हम शोल्डर से नीचे की तरफ 8 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे साइड से हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। ऊपर से जहाँ हमने 8 इंच का मार्क किया है वहीं से हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। आप चाहें तो इसमें कुछ और डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर एक लीफ टाइप का मार्क कर रही हूँ, यानी लीफ टाइप का पैटर्न बना रही हूँ। इसके बाद मैं फैब्रिक से मिलाते हुए फैब्रिक के शेप की लाइन ड्रॉ करूँगी। इसी शेप के अकॉर्डिंग हम पैटर्न की कटिंग करेंगे जो हमने ड्रॉ किया है। पैटर्न हमारा कट हो चुका है। इस पैटर्न को हम गोल्डन फैब्रिक पर रखेंगे। फैब्रिक को हम उल्टा रखेंगे और पैटर्न को हम पेस्टिंग साइड से उल्टी तरफ रखेंगे और प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हम इसके नीचे एक दूसरा फैब्रिक रखते हुए यहाँ से इस साइड से स्टिच करेंगे। पेस्टिंग को मिलाते हुए, यानी इसके बराबर मिलाते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। इसके लिए मैंने नीचे एक फैब्रिक लगाया है ताकि हम इसको टर्न कर सकें। इसके बाद जहाँ से हमने स्टिच स्टार्ट की थी वहीं से हम इस तरह से कट करेंगे, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए। और यहीं से छोटे छोटे नोचेस लगाएंगे यहाँ पर कॉर्नर्स में इस तरह से। उसके बाद जहाँ से हमने पैटर्न को स्टिच नहीं किया है वहाँ से 1 इंच से 1.5 इंच तक कपड़ा छोड़ते हुए कट करेंगे इस तरह से, और इसको सीधी तरफ हम टर्न करेंगे और इसके हम कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लेंगे। कॉर्नर्स निकालने के बाद मैंने इसको एक कवर स्टिच दी है यहाँ से दोनों तरफ से। अब इसको हम यहाँ मार्किंग से मिलाते हुए इस तरह से स्टिच करेंगे।
इस स्टिच को भी हम किनारी पर ही करेंगे ताकि दोनों पार्ट्स आपस में जॉइन हो जाएं अच्छे से। इसको करने के बाद अब हम फ्रंट के सभी पार्ट्स आपस में जॉइन करेंगे। ये हमारा नेक वाला पार्ट है जिसको हमने नेट पर कट किया था। इसको हम इस तरह से आधा इंच रखते हुए मिलाएंगे यहाँ से, और दूसरी साइड से भी हम आधा इंच रखेंगे यहाँ से, और इस वाले पार्ट को हम पैटर्न वाले पार्ट के नीचे रखते हुए मिलाएंगे। दोनों साइड से मैंने हाफ इंच रखा है क्योंकि हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा कट किया था, इसलिए हम हाफ इंच रखते हुए इसको स्टिच करेंगे। दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के सामने रखते हुए इस तरह से मिलाएंगे और इसको हम किनारे से स्टिच करते हुए सभी पार्ट्स को आपस में जॉइन करेंगे यहाँ से इस तरह से। सभी पार्ट्स हमने आपस में जॉइन कर लिए हैं। इसके बाद हम लेस लगाएंगे पैटर्न वाली साइड में। जिसके लिए हमने ये वाली लेस ली है जो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, जिसको हम कर्व शेप में अच्छे से घुमा सकते हैं। इसकी स्टिच हम साइड से करेंगे एक तरफ से, और नीचे तक इसको हम कंप्लीट करेंगे। नीचे से हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे और वो हाफ इंच अंदर फोल्ड करते हुए हम लेस को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हम लेस के दूसरे साइड भी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये स्टिच भी हम लेस के किनारे पर ही करेंगे। इसके बाद हम नेक में पट्टी लगाएंगे जिसको मैंने ओरेब में कट किया है। एक इंच की चौड़ाई पर पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और नेक के नीचे रखेंगे, यानी उल्टी साइड में पट्टी को डबल फोल्ड रखेंगे और क्वार्टर इंच की स्टिच करेंगे। इसके बाद हम पट्टी को सीधी तरफ टर्न करेंगे इस तरह से, और इसकी किनारी पर स्टिच करेंगे। फ्रंट का नेक हमारा बन चुका है। अब इसी तरह से मैं बैक के नेक में पट्टी लगाऊंगी, जिसकी कटिंग मैंने बयास में की है और एक इंच चौड़ी ली है। बैक का नेक बनाने के लिए मैं पट्टी को सीधी साइड रखूंगी और डबल फोल्ड करके क्वार्टर इंच की स्टिच करूंगी राउंड शेप में। स्टिच करने के बाद हम इसमें नॉचेस लगाएंगे। और पट्टी को अंदर के मार्जिन की तरफ करते हुए यहाँ से किनारे पर एक स्टिच लगाएंगे। दोनों नेक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इनको सीधी साइड अंदर रखेंगे दोनों की, और इस तरह से रखते हुए
बैक की पट्टी को आगे लाते हुए शोल्डर जॉइन करेंगे। हाफ इंच का मार्जिन लेंगे शोल्डर जॉइन करने के लिए। इसके बाद हम दोनों तरफ से फिटिंग लगाएंगे। यहाँ से पूरा इसको बंद करेंगे और यहाँ से इसके बाद हम इसमें स्लीव लगाएंगे। स्लीव हमने कट कर रखी है। स्लीव ओपनिंग में हम ये लेस लगाएंगे यहाँ पर। इसी के साथ हमारा टॉप कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट है हमारा डिज़ाइनर टॉप, जिसे आप लहंगे के साथ टीम अप कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।